फन्ने खान को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अतुल मांजरेकर, 2002 की बेल्जियम फिल्म एवरीबडीज फेमस का ये रीमेक है, स्टारिंग अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, राजकुमार राव, गिरीश कुलकर्णी, दिव्या दत्ता और पीहू। ये कहानी है प्रशांत शर्मा और फन्ने खान की, जो एक छोटे से ऑर्केस्ट्रा में पार्ट टाइम सिंगर होता है और उसका सपना होता है कि एक दिन वो बहुत मशहूर गायक बनेगा। पर हालातों की वजह से उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता, इसलिए वो अपनी बेटी लता को बहुत बड़ा स्टार गायक बनाना चाहता है और उसके जरिए वो अपने सपने को जीना चाहता है। उसकी बेटी लता की भी गाने में रुचि होती है, उसकी आवाज़ भी अच्छी होती है, पर वज़न ज़्यादा होने के कारण सब उसका मजाक उड़ाते हैं और इसलिए वो अपना आत्मविश्वास खो चुकी होती है। अब प्रशांत अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी बेटी को स्टार बनाने के लिए बहुत मशहूर गायक बेबी सिंह को किडनैप कर लेता है। ये कैरेक्टर निभाया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। अब देखिए, फिल्म की कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन डायरेक्टर इस कहानी को पर्दे पर सही से उतार नहीं पाए हैं। फिल्म में कई सारी इमोशनल सीन्स हैं जहां पर अनिल कपूर जी हमें रोते हुए दिखाई देते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे पसंद आया, लेकिन वो सीन्स हमें यानी ऑडियंस को इमोशनल नहीं कर पाते हैं। फिल्म में ढेर सारा मेलोड्रामा है, कई सारे सीन्स को बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक किया गया है, लेकिन फिर भी इस पूरी फिल्म के दौरान, इस फिल्म के साथ में हम वो इमोशनल कनेक्ट फील ही नहीं कर पाते। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है कमज़ोर कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिल्म में कैरेक्टर्स में वो डेप्थ हमें कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देती। जैसे हम कभी किसी को कोई कहानी जल्दी जल्दी में ऊपर ऊपर से बता देते हैं ना, बिल्कुल ये फिल्म देखते समय भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था, जैसे ये पूरी फिल्म की कहानी हमें बस ऊपर ऊपर से बताई जा रही है। जितने भी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो या लीड कैरेक्टर्स हो, उनके अंदर हमें जो एक अलग अलग लेयर्स नज़र आनी चाहिए, उनका जो स्वभाव है, उनके अंदर के जो इमोशंस है, वो हमें खुलकर दिखाई ही नहीं देते और ना ही उनको इस फिल्म में ठीक तरीके से दिखाया गया है। सभी कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल थे, उनके अंदर पूरी फिल्म के दौरान कहीं पर कोई चेंज ही नहीं होता। इतना ही क्या, इस फिल्म का जो सबसे मेन कैरेक्टर है लता का, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, उस कैरेक्टर के अंदर भी फिल्म के एंडिंग में हमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता है, जो कि दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि यही तो इस फिल्म की कहानी है। लता शुरुआत में अपने पिताजी से पूरी फिल्म के दौरान ही नफरत करती है, फिर भी उसके पिताजी अपनी बेटी को स्टार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और इसलिए लता के अंदर फिल्म के एंडिंग में वो हृदय परिवर्तन, वो बदलाव हमें नज़र आना चाहिए था, लेकिन फिल्म के एंडिंग में उस कैरेक्टर के अंदर वो बदलाव, वो चेंज हमें दिखाई ही नहीं देता। राजकुमार राव प्रशांत शर्मा के दोस्त और उनके सहकर्मी का रोल निभा रहे हैं, जो अपनी मानी हुई गर्लफ्रेंड के आज्ञा पालन का काम करता है। इस कैरेक्टर को फिल्म में फनी टच देने के लिए ऐड किया गया है, लेकिन वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट, वीक नरेशन की वजह से राजकुमार राव जैसे एक्टर भी हमें फिल्म में हंसा नहीं पाते। ऐश्वर्या ने बेबी सिंह नाम के एक बहुत फेमस सिंगर का रोल निभाया है, जो बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए उस मुकाम तक पहुंची है। वो अपने प्रोड्यूसर और मैनेजर से बहुत ज़्यादा परेशान है और इसलिए वो खुद उनसे छुटकारा चाहती है। बेबी सिंह का रोल ऐश्वर्या राय पर बिल्कुल सूट कर रहा था और वो सच में फिल्म में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनको फिल्म में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। वन डायमेंशन कैरेक्टर्स के अलावा फिल्म की स्टोरी भी बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है, उसमें कहीं पर भी कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, और सस्पेंस तो फिल्म में है ही नहीं। फिल्म के एंडिंग में क्या होने वाला है, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। अनिल कपूर जी ने फिल्म में सच में बहुत मेहनत ली है और उनका परफॉर्मेंस भी सच में फिल्म में बहुत बढ़िया था, लेकिन एक पिता और पुत्री के बीच के रिश्ते को डायरेक्टर ठीक तरीके से ऑडियंस के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, लता अपने पिता से पूरी फिल्म के दौरान बहुत नफरत करती है ऐसा दिखाया है, लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रांग रीज़न ये फिल्म हमें देती ही नहीं है, और इसलिए फिल्म के एंडिंग में इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद भी जब लता कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है, तो वो बात हमारे दिल को छू नहीं पाती, और इसलिए इस फिल्म को हम कोई एक हर्ट वार्मिंग ऐसी स्टोरी नहीं कह सकते। इसके अलावा भी फिल्म की एंडिंग बिल्कुल ही इलॉजिकल और अविश्वसनीय लगती है। कुल मिलाकर फन्ने खान एक वन टाइम वॉच फिल्म है। आप इस फिल्म के टीवी पर या फिर किसी ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर रिलीज होने की राह देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 out of 10 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।